गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन विच वॉज गिवन टू यू द प्रीवियस डे एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन इज द क्लासिक्स वोटेड फॉर द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स क्लासिक्स ने वोट किया फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर का द रिजल्ट ऑफ द वोट आर शोन बिलो यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी वेनीला वनीला वेनीला चॉकलेट वेनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वेनीला वनीला चॉकलेट तो हमें दो चीज़ में से रिप्रेजेंट करना है यूज़ द डाटा टू मेक अ टैली टेबल पहले तो टैरी मार्क का टेबल बनाना है हमें एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड इन ऑल उसी में क्वेश्चन है कि टोटल तो स्टूडेंट्स तो तो कितने थे जो वोट किए क्लासिक्स के एंड सेकेंड में हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे डिस्प्ले द अवर्व डाटा एज पिक्टोग्राफ इसे हमें पिक्टोग्राफ में भी पिक्चर्स ड्रॉ करके बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन है ठीक है टैली चार्ट भी बनाना है और पिक्टोग्राफ पे भी तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि चॉकलेट के एक टेबल बना लेते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर कि, कितने स्टूडेंट्स को पसंद था वनीला कितने को पसंद था और स्ट्रॉबेरी किसको पसंद था यहाँ पे तीन ही फ्लेवर सिर्फ आया है नाम तो पहले हम चार्ट बना लेते हैं कि कितने लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है तो फर्स्ट एक कॉलम है आइसक्रीम फ्लेवर और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चॉकलेट में कितना हो रहे स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव चॉकलेट इज़ फाइव स्टूडेंट्स वेनिला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड स्ट्रॉबेरी वन टू थ्री तो इस कॉलम को जब हम कॉलम ही बनाए तो एक आंसर हमें पता चल गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड इन ऑल तो ये कितना हो गया टोटल फिफ्टीन ठीक है तो पहले हम इसे इस, इस रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क टेबल पे तो ये रहा हमारा चार्ट टैली मार्क का जिसमें एक में हमने लिखा यहाँ पे आइसक्रीम फ्लेवर नंबर ऑफ दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और तीसरे में टैली मार्क और टैली मार्क को हम लोग वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो आइसक्रीम फ्लेवर क्या क्या हमारा चॉकलेट वनिला एंड स्ट्रॉबेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चॉकलेट में कितने हैं फाइव यहाँ सेवन और इधर थ्री इसे हमें टैली मार्क में रिप्रेजेंट करना है तो tally मार्क जब भी बनाते हैं तो वर्टिकल लाइन से बनाते हैं फोर जब बनेगा तो फोर वर्टिकल लाइन्स और जब फाइव कंप्लीट हो जाता है तो उसमें इसमें स्लैंटिंग लाइन दे देते हैं तो फाइव है यहाँ पे तो वन टू थ्री फोर और ये फाइव हो गया ठीक है मतलब ये कंप्लीट हो गया ये जो बंडल एक बन गया है वो किस कितने का बन गया फाइव का बन गया वनिलाला में कितना है सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स और ये सेवन स्ट्रॉबेरी में कितना है ओनली थ्री तो मतलब थ्री वर्टिकल लाइन्स बस दे देंगे वन टू दैन थ्री तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाई टैली चार्ट ठीक है यहाँ पे हमें पूछना पूछ रहा था वहाँ पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड इन ऑल कितने स्टूडेंट्स वोट किए थे तो टोटल तो स्टूडेंट्स कितने हो रहे थे टोटल तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री तो टेन एंड टेन प्लस फाइव इज़ फिफ्टीन तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कितने हो गए फिफ्टीन हो गए और इसी चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है क्या पिक्टोग्राफ पे भी टैली मार्क का जब बनाएंगे तो इसमें तीन कॉलम्स बनेंगे ठीक है एक नंबर के लिए एक चीज़ जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे वो एक नंबर के लिए और दूसरे तीसरा जो बनेगा वो मार्क टैली मार्क के लिए ये पिक्टोग्राफ में सिर्फ दो बनेगा एक बनेगा जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे आप लोग आइसक्रीम फ्लेवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहला चार्ट को पहला कॉलम बनेगा आइसक्रीम फ्लेवर का और दूसरा क्या है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो वो करेंगे पिक्चर्स बनाकर ठीक है और जब भी पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें ये रिप्रेजेंट की बताना होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे हम पिक्चर बनाएं तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं चॉकलेट के फाइव है वनीला के सेवन है और स्ट्रॉबेरी के थ्री है ये हमारे पास छोटे ही नंबर्स है तो इसमें हम क्या दे देते हैं कि वन स्माइली इज़ इक्वल्स टू वन स्टूडेंट जब बड़े होते बट ज़्यादा ज़्यादा नंबर्स होते सपोज फिफ्टी होते सेवेंटी होते थर्टी होते तो हम ये लिख सकते थे कि वन स्माइली इज़ इक्वल्स टू टेन स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम स्टूडेंट्स हैं तो मैंने यहाँ पे की क्या लिया है की इज वन स्माइल इज इक्व टू वन स्टूडेंट तो आइसक्रीम फ्लेवर क्या क्या हमारे पास चॉकलेट वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में कितने हैं स्टूडेंट्स चॉकलेट में ओनली फाइव है मतलब यहाँ पे यहाँ पे की हमने क्या लिया है कि वन इज बिकॉज टू वन स्टूडेंट और चॉकलेट में फाइव स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना है. मतलब फाइव स्माइली वन स्माइली टू स्माइली थ्री फोर फाइव वनीला में कितने हैं वनीला में सेवन है मतलब सेवन स्माइलीज वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन एंड स्ट्रॉबेरी में कितने हैं थ्री मतलब ओनली थ्री स्माइलीज वन टू एंड थ्री याद रखिए जब भी पिक्टोग्राफ बनाए तो की जरूर ले कि जो भी आप पिक्चर बनाएंगे मैंने यहाँ पे स्माइली बनाया तो यहाँ पे ले ले दिया मैंने वन इज इक्वल्स टू वन स्टूडेंट जब भी पिक्टोग्राफ बनाएं तो की ज़रूर लिखें ठीक है सो so स्टूडेंट्स आप लोग ये जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि दिस चैप्टर कंटेन्स फाइव मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम ठीक है सो प्रैक्टिस इट वेल थैंक यू